तो दोस्तों आज हम आए हैं मिलिंदिया के पास और आज इनका लेंगे, इनकी गाड़ी का रिव्यू लेंगे आज मिलिंदिया से। कैसा, ये हमेशा सबका लेते हैं रिव्यू, लेकिन आज इन्हीं का लेने वाले हैं हम। देखते हैं कैसा क्या आंसर देते हैं मिलिंदिया। तो बहुत दिनों से यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहे थे कि आप अरुण पवार से मिले, आपकी I20 क्या क्या माले देती है, क्या वो करती है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक पूरा यहाँ पे सेपरेट Q&A वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं, मुझसे रिलेटेड, कार से रिलेटेड, या कुछ भी, यहाँ पे एनीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उल्टी सीधी मत पूछना, कुछ यहाँ कोई पे कुछ गलत पूछ ले। हाँ काम की चीजें पूछना तो पूछ लेना। उसका यहाँ पे 2-4 दिन में मैं यहाँ पे Q&A वीडियो लेकर आ जाऊंगा। गाड़ी खरीदे आपको कितना टाइम हो गया? गाड़ी यहाँ पे 21 नवंबर 2020 को खरीदी थी और इसको खरीदे लगभग 1 महीना और 1 साल 1 महीना और 10 दिन हो गए। तो इसकी कितनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी? इसकी 2 सर्विस हो गई है, अभी दूसरी सर्विस अभी हुई है कुछ दिन पहले ही। तो सर्विस के बाद कितने का माइलेज दे रही है ये? सर्विस के बाद देखो, कुछ सर्विस के बाद और पहले कोई भी माइलेज में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत से आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिनमें भी यही बताते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे इंजन थोड़ा खुल जाता है, जो कि मामूली सा फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कारों का इंजन होता है वो पहले से ही खुला हुआ रहता है और टेस्टिंग में 1000 किलोमीटर इनको चला के बाद में इनको टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि बनाया और कल ही इसको यहाँ पे डाल दिया। और ये माइलेज पहले भी, जैसे कि मैंने खरीदी थी उसके यहाँ पे कुछ ही दिन बाद में मैंने माइलेज टेस्ट कर दिया था, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें भी कार ने 20 पॉइंट कुछ का माइलेज दिया था और अभी भी उतना ही दे रही है हाईवे पर, तो 20 का 21 का। और अभी जो अरुण पवार से मिलने गए थे तब तो यहाँ पे इसने 25 तक का माइलेज निकाला था। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपकी गाड़ी के अंदर सनरूफ भी है, तो आप क्या इसका मज़ा लेते हैं अच्छे से? ये अच्छे से काम कर रही है ना, खराबी थोड़ी आई इसमें? नए नए सनरूफ में कोई भी खराबी नहीं है और इसमें जैसे कि पानी वानी भी नहीं जाता है कुछ भी। तो आप गाड़ी चलाते हो, आप ही चलाते हो गाड़ी, मैं ही चलाता हूँ, तो बाहर तो नहीं निकल पाते होंगे इससे? मैं तो नहीं निकलता, लेकिन मेरे दो दोस्त निकलते हैं ज्यादातर। ये सही है उन दोस्तों के लिए। और ब्लू लिंक वगैरह काम? ब्लू लिंक अच्छे से काम कर रहा है, अभी 1 साल बाद में भी अच्छे से काम करता है। जब कार जहाँ पर कार में नेटवर्क ही नहीं होगा वहां पर तो ये नहीं करता है, और घर पे भी जैसे कि 5 बार ट्राई किया तो 4 बार काम कर जाता है, 1 बार नहीं करता है, 1-2 बार तो यहाँ पे धोखा दे देती है। वो तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आती होगी ना। हाँ, और इसका कंफर्ट कैसा लगा आपको गाड़ी का? कंफर्ट बढ़िया है आई हमें। ट्वेंटी एक्स्ट्रा ऑप्शनल है आपके पास, पूरी हाँ, ये एक्स्ट्रा टॉप ऑप्शनल है, मॉडल, टॉप मॉडल, इससे ऊपर तो अब ऑनलाइन भी आ गई। तो कंफर्ट कैसा है इसका? कंफर्ट बढ़िया है मेरे लिए तो। साउंड सिस्टम? साउंड सिस्टम 1 नंबर है इसमें। जो पीछे के दोनों दरवाजे हैं इसमें, यहाँ पे थोड़े हल्के स्पीकर्स है जो कि सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे बहुत से वीडियोज भी बन रहे हैं, क्योंकि आगे वाले जो बेस करते हैं पीछे वाले बेस नहीं करते, और यहाँ पे जो पीछे सबवूफर लगाया हुआ है वो बेस करता है, तो यहाँ पे इन स्पीकर्स को वो कवर कर लेता है वो बेस करके। तो आपसे, आपके साथ कभी ट्रेजिडी थोड़ी हुई है, एक्सीडेंट वगैरह कभी एक्सीडेंट मेरे किया? से तो एक भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो चलाया तो 2 बार एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट तो क्या कर दिया, एक तो इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैच कर दिया, और एक उस साइड में, उस साइड का भी वीडियो बनाया हुआ है जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये निकल गया था पूरा, फिर इसको यहाँ पे फेविक्विक से जुगाड़ करके अरे चिपका यार, ये डाला, दिख रहा है फेविक्विक से चिपकाया हुआ है आपका? तो ये तो दिखेगा ही फेविक्विक तो। यार ये तो अच्छा नहीं हुआ आपके मेरे से साथ। तो कुछ ही नहीं हुआ कोई ये। बात नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, कोई मरा तो नहीं ना कोई? अरे मरना जरूरी है क्या, गाड़ी हाँ, में नुकसान हो गया। और इसका पिकअप वगैरह अच्छा ले रही पिकअप है? यहाँ पे 2 बंदों के साथ तो पिकअप बढ़िया है, जैसे कि बिना एक्सलेट करे भी आराम से उठ जाती है कार, लेकिन जब तीसरा चौथा पांचवा बंदा बैठ जाता है तब तो कार को बहुत ही एक्सलेट करके आगे बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे जब इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब 5 बंदों के साथ ही इतनी इतनी रेस दे के एक्सलेट करके उसको उठाना पड़ता है, तो जब यहाँ पे बूट में भी 350 लीटर डाल देंगे तब तो ये एकदम मारुति 800 जैसी चलेगी। ये भी क्योंकि सही है आपकी क्योंकि बात। उसमें तो 300 लीटर वो हो गया, और 5 बंदों में भी इतना ही, 300 300 300 किलो इतना ही होता है वो सही है। और ये किलोमीटर कितने चला दिया आपने इसको? किलोमीटर, ये 6-7 हज़ार किलोमीटर के लगभग चल गई इतनी चलाई है इतनी। 1 साल में? हाँ, क्योंकि कहीं जाते नहीं हो क्या? ये यूट्यूब के कारण ही चली है, अगर घर पे रहती तो ये 2 या 3 हज़ार लास्ट चलती। ये तो अच्छी बात है, यूट्यूब के कारण चलाते हो। तो बस यूट्यूब के लिए ही यूट्यूब, खरीदी क्या आपने ये गाड़ी? नहीं, ये तो खरीदी तो घर में कुछ काम हो एक दो तो उसके लिए खरीदी थी, लेकिन अब ज्यादातर यूट्यूब के लिए चलती है, घर में भी कभी कभी चल जाती है। तो आप जब दिल्ली गए थे अरुण पवार से मिलने, हाँ,
तो कितने लोग गए थे, कैसा तीन लोग, फिर तीन लोगों के साथ कैसी इसने दी परफॉर्मेंस आपको? तीन लोगों के साथ बढ़िया माइलेज निकाला और बढ़िया एकदम कंफर्टेबल गई थी और कंफर्टेबली वापस आ गई। और बताइए इस गाड़ी के बारे में कुछ। गाड़ी देखो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है और यहाँ पे अरुण भाई के हिसाब से, और वैसे ओवर प्राइस लगती है जैसे कि बहुत से लोग बता रहे हैं कि थोड़ी ओवर प्राइस है, तो थोड़ी यहाँ पे बलेनो और एल्ट्रोस के थोड़े टक्कर में रहती है तो ऐसे ही रहती। अभी इसकी क्या है ना, सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, लोग हुंडई बोलते की है हैं ना कि वो ये? सेमी कंडक्टर के कारण हो रही है, लेकिन सेमी कंडक्टर के कारण है, बलेनो की तो नहीं हुई इतनी और एल्ट्रोस की तो नहीं हुई, वो टॉप पे ज़्यादा जा रही है। हुंडई सुजुकी फर्क पड़ता है ना, सुजुकी की तो टीन का डब्बा आती है जैसा कि लोग वो बोलते तो हैं, और पता है, लेकिन ज्यादातर पसंद करने वाली गाड़ी है ना। इसमें साइलेंट इंजन है और यहाँ पे वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। हुंडई इसी चीजों के लिए तो फेमस है यहाँ तो पे, आप इसको एक बिल्डकॉन बार की चालू वजह करके से। दिखा सकते हो क्या? चालू तो यहाँ पे मेरे चैनल पे तो सभी लोग रोजाना ही देखते हैं इसको, आप पर्सनल चैनल के लिए खरीदी है मतलब? ऐसा ही मान लो आप। लोग सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं आपके चैनल को? नहीं कर रहे अभी तो, नहीं कर रहे? कर नहीं लेंगे, कर अभी लेंगे, तो 80-90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। कर लेंगे सब। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना मिलिंद भैया के चैनल को। क्या आपको आवाज आ रही है? साइलेंट है एकदम बिल्कुल। अच्छी है इसको, ये क्वालिटी अच्छी लगी, आवाज नहीं करती इतना। इसमें तो एयर ये स्टार्टिंग में आई थी जब भी इतना ही इसकी आवाज थी, अब भी इतनी आवाज है, बड़ी नहीं क्या कुछ? इतना ही। इसमें एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब यहाँ पे यूएसबी से म्यूजिक प्ले करते हैं तब यहाँ पे इसमें बेस अच्छा आता है, और जब ब्लूटूथ से वायरलेस करते हैं तब यहाँ पे उसमें बेस अच्छा नहीं आता है, जैसे कि वो वायरलेसली हो गया तो उसमें बेस वगैरह कम हो जाता है। और यहाँ पे इसमें और कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी है इस गाड़ी में? और प्रॉब्लम तो यह है कि इसका यहाँ पे दो तीन जगह से पेंट ऑटोमेटिक निकलने लग गया है, जैसा कि दिखाओ यहाँ पे एक तो यहाँ पे निकल गया है। हाँ ये अपने आप से उतर रहा है? ये अपना आप से, ये यहाँ पे तो शायद कुछ लगा है और पीछे से ये भी तो कुछ निकल गया लग, है, हाँ कुछ लगने से हुआ है ये तो। ये पीछे भी ऑटोमेटिक निकल गया है एक दो जगह। तो पेंट हुंडई वाले अच्छा नहीं करके देते क्या? अब ये इतना तो चलता है जैसे कि एक दो हो जाता है ये तो। हाँ पपड़ी उतर रही है इसकी, ये क्या सीन है? कोई बात नहीं, लेकिन बाकी अच्छी परफॉर्मेंस है ना आपके साथ? बाकी एक दो नेगेटिव के अलावा अच्छी परफॉर्मेंस, एक ये कि इसमें अगर यूएसबी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो यूएसबी की लाइट बंद नहीं होती, जैसा कि रात में भी अगर ये यूएसबी ऐसे ही रहेगी तो ऐसी लाइट रहेगी इसकी। तो आपको निकालनी पड़ती होगी बार बार इसको? हाँ इसको यहाँ पे जब बंद करे तो यहाँ पे निकालनी पड़ती है क्योंकि ये बैटरी तो खाती है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे जब एक और इसका नेगेटिव एक और इसका बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब हम रिवर्स गियर डालते हैं तो यहाँ पे कई बार इसका रिवर्स गियर यहाँ पे गर्र गर्र बोलने लगता है, क्योंकि आवाज करने लगता अटकने है, अटकने लगता है। ये इसकी प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम तो क्या है जैसे कि भीड़ में यहाँ पे कहीं पे इज्जत खराब कर देती है ऐसे। हाँ बगैर है ना, थोड़ी गर्र गर्र इंसल्ट बोलता सी है, फील होता है हाँ आपको। ट्रैक्टर की तरह। कोई बात नहीं। हाँ तो मिलिन, मैंने ये देखा है इसमें आपको 1 साल हो गया और आपने अब तक सीट कवर नहीं लगवाए गाड़ी के। मेरे हिसाब से देखो एक दो तीन कारण हो गए इसके, एक तो यहाँ पे ये एयरबैग फ्रेंडली जो सीट कवर आते हैं उन पे मेरे को विश्वास नहीं है कि उनमें से एयरबैग निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, और दूसरा ये कि एयरबैग की अभी बेजिंग नहीं एक रखी है? साल में देखो सीट पर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ी गंदी हो जाती है जिसको कि फोम वॉश से यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं, जिसको कि 400-500 रुपये लगते हैं यहाँ पे फोम वॉश के, तो फोम वॉश से सभी यहाँ पे बढ़िया क्लीन हो जाती है, और फोम वॉश की जरूरत नहीं, यहाँ पे गीले कपड़े से भी बढ़िया क्लीन हो जाती है। यहाँ पे हम कवर लगवाते हैं, कवर से यहाँ पे एक तो अच्छी नहीं लगती, और अगर अच्छे कवर ले ले तो उनमें यहाँ पे कोई में गर्मी आ जाती है, सर्दियों में गर्मी आ जाती है वगैरह वगैरह, और लेदर ज़्यादातर वो लेदर वाले लगाते हैं तो उनमें तो यहाँ पे गर्मियों में तो यहाँ पे उसकी स्मेल रहेगी पूरी कार में, और मेरे को वैसे भी यहाँ पे पसंद नहीं है, मैंने पहले तौलिये लगाए थे अब उनको भी हटा दिया है, तो मैं तो ये तौलिये भी रिस्क पसंद नहीं है रिस्क क्योंकि वाला वो। सीन हाँ है, ये एयरबैग नहीं ओपन हो तो फिर वो रिस्क हो तौलिये जाए। भी अगर आप तौलिये, जैसे कि बहुत से लोग कमेंट करेगी यहाँ पे तौलिये कैसे लगाए कितने के लगाए, वो तो यहाँ पे 100-100 रुपये के तौलिये थे चारों, तो तौलिये क्या है ना यहाँ पे बांध देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, जैसे बैठते वो इधर चले जाते हैं, यहाँ पे इधर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते, बैठते ही यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, पिछवाड़ा टेकते ही वो सत्यानाश हो जाता है उनका, तो अब वो भी कुछ वर्थ नहीं है, तो ऐसे ही रखो। अगर आप कुछ लोडिंग का सामान करते हैं जैसे कि कोई चीजें रख कर ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़िया सीट कवर चाहिएंगे क्योंकि उससे सीटें फट सकती है। अब आपने तो 6 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर ही चलाई है गाड़ी को, तो ज़्यादा वो नहीं है। हाँ और ज्यादा चलती है उनके लिए है, जैसे कि
वो जो महीने में ही इतनी चला देते हैं उनके लिए सही है सीट कवर लगवाना। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीट कवर मत लगवाओ, मेरे को पसंद नहीं है सीट कवर लगवाना। वो आपने एयरबैग वाली गाड़ी टॉप मॉडल इसीलिए तो खरीदी है सेफ्टी के लिए, फिर वो हाँ सीट कवर लगाते हैं, सेफ्टी पूरी खत्म। इसीलिए तो यहाँ पे मेरे को सीट कवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं शायद ही कभी लगवाऊंगा। मैंने ये देखा है आपने अपने कांचों को भी ब्लैक करवा रखा है, और ये पीछे नाम लिखवा रखा है जाट का, और ये बम्पर कार्ड भी लगवा रखा है, तो तो कभी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्या पुलिस वगैरह के? प्रॉब्लम तो आती है, अगर पुलिस वालों के सामने से आप निकलोगे वो आपको पकड़ेगा, तो वो चालान जरूर किसी भी चीज का करेगा। और वो बात नहीं है, ये बम्पर गार्ड बहुत सेफ्टी करता है, 3-4 बार इसने यहाँ पे इसको बचा लिया है, और इसीलिए लगवाया हुआ है क्योंकि सिटी में यहाँ पे बाइक वाले यहाँ पे पूरा यहाँ पे चिपका के चलते हैं। और तो ये बम्पर गार्ड की साथ आई थी या लगाई है आपने? ये तो मैंने लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे बम्पर गार्ड की वजह से यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर नहीं दिख रहे थे, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी को यहाँ पे कार दिखे नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे काट के जो 3M की टेप आती है रिफ्लेक्टर टेप वो लगा रखी है। और ये जाट ये तो शो के लिए लगा रखा है, अच्छा लगता वो है जाट हो ना आप, इसलिए वो मानते हैं शो आपकी करनी है। बात। और ये जो कांच ब्लैक करवा रखी है ये 30% ही है, लगती तो ये 50 है, लेकिन मैंने तो दुकान वाले को 30 बोला था, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था कि 30% ही है। तो अगर उसने 50 डाल दिया तो उसके ऊपर केस करके वसूलना पड़ेगा चालान का पैसा। वैसे है तो 30 है, लेकिन दूर से ऐसे लगता है जैसे कि दूर 50 से है, ऐसे लगता है कि एक पूरी ब्लैक कांच है बिल्कुल। इसका। हाँ ऐसा सीन लगता है। तो हाँ कभी हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और आगे भी देखते हैं होता है या नहीं होता, होगा तो देखा जाएगा। देख लेंगे जाट है अपन, ऐसे थोड़ी है जाट नाम। और यहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे थे यहाँ पे जो एयर बे ये एयर प्यूरीफायर है, यहाँ पे देखते हैं ये एयर प्यूरीफायर। ये एयर प्यूरीफायर ने मुझे ऐसा लगता है कि इसने देखो फालतू स्टोरेज रोका है। देखो ये जगह नहीं तो रोक रखी है, और हमारे गांव के एरिया के हिसाब से तो जगह रुकी रही है क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही हवा साफ है, लेकिन ये काम करता है। इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है, जिसमें कि मैंने पूरी कार को अगरबत्ती का जो धुआं होता है उससे भर दिया था। इस एयर प्यूरीफायर ने लगभग 2 से 3 मिनट में उसको प्यूरीफाई कर दिया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा आपको। तो मतलब धुआं पूरा गायब हो गया था क्या? हाँ पूरा साफ हो गया था धुआं। ये तो और अच्छी ये बात जैसे है। कि अगर कोई आदमी बीड़ी पीता है सिगरेट पीता है, तो ये ऑटोमेटिक है ना एयर प्यूरीफायर? हाँ ये चल जाता है, जैसे कि अभी चलाता हूँ मैं ऑटोमेटिक इसमें, जैसे कि ये चल गया। और लाइट भी इसको अच्छी आ रही है इसमें, ये अच्छी लाइटिंग लग रही इसमें है ऐसी इसमें। आती है कि ज़्यादा पोल्यूशन है तो रेड, और यहाँ पे ये ग्रीन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली वगैरह में तो ये ज़्यादातर रेड या ऑरेंज रहता है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है ना, इसको एक बार दबाएंगे तो ये चल, वैसे तो चल जाता है ये एस सीरीज ऑन करते ही। ये दो बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे साउंड है, इसका मतलब कि ये डबल हो गया है, इसकी आवाज़ भी देख सकते हैं आप, हाँ इसमें आवाज आ रही है। तो ये डबल हो गया है, इसकी स्पीड डबल हो गई है। अब ये ज़्यादा अच्छी तरह से प्यूरीफाई कर रहा है। और अगर इस बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये काफी सही है। ये जैसे कि पॉल्यूशन वाली जगह में सही है, और तो वैसे कुछ भी नहीं, अगर इसने पूरी धुआं को साफ कर दिया तो वो फिर ठीक लगा ना, ठीक है, मतलब दिखता काम नहीं तो है, करता जैसे है कि ये। बिजली नहीं दिखती, भगवान नहीं दिखते, वैसे ये साफ करता है वो नहीं दिखता है। वो बात सही है, हाँ साफ करता है वो दिखता नहीं, हाँ लेकिन उसे साफ करता पसंद है। है कि कितना साफ आपने कर दिया। टेस्ट तो किया है, हाँ और अगर आप बोलोगे तो दोबारा से भी टेस्ट कर लेंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पीछे वाले वीडियो का लिंक डाल देना इसके नीचे। हाँ इसमें लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लेना आराम तो से। चलो दोस्तों, मिल इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।